फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही ऑल नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये जो ऊपर का दिख रहा है झूमर, ये चांदी में का जो ऊपर का है, मैं वो आपको बना के बताने वाली हूँ। मैंने कल ही ये पूरा डिज़ाइन अपलोड किया था, तो नीचे का जो डिज़ाइन है वो मैं बाद में अपलोड करूँगी बना के, ये पूरा चांदनी। फ़िलहाल मैं इसमें का जो ऊपर का झूमर बना हुआ है किस तरह से बनता है वो सारे ट्रिक मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखिए, इस तरह से ये बीच में झूमर बनाया गया है। देखिए, एक एक जो वो ऊन आपको दिख रहा है उस ऊन में बांध कर, और इसमें जो साइड से बना हुआ है ये देखिए, ये घर दो गुल्ली बना के, या फिर आप जिस टाइप का भी लड़ी देना चाहते हैं उस टाइप का लड़ी देकर इसमें बनाया गया है। इस तरह से साइड में मैं ये टोटल आपको इसमें बताने वाली हूँ, लेकिन मैं ट्रिक बताऊँगी जिसकी मदद से आप ये बना पाएंगे। तो ये छोटा सा राउंड स्टार्ट होता है और उसी को बड़ा रूप दे दिया जाता है, तो ऊपर का ये रेडी हो जाता है। देखिए, नीचे आने के बाद ये खंड बड़ा होता जाएगा। इसी तरह हमें बड़ा बड़ा खंड बनाते हुए जाना है। तो ये राउंड कैसे बना है वो मैं आपको पहले बना के बताती हूँ। तो देखिए, मैंने सिंपल सा एक तार लिया है, थोड़ा सा मोटा है। आप लोहे का इस्तेमाल करें, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं ये सिंपल ट्रिक के तौर पर मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप बांस का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप फ्रेम जो आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसमें सबसे पहले कपड़े को लपेट लेना है, जिस कलर का भी हम चांदनी बना रहे हैं उस कलर का। तो यहाँ पे मैं ये सिंपल तौर पे बता रही हूँ, ज़्यादा मज़बूत आपको बनाना है तो आप मोटा वाला जो लोहा आता है उसका इस्तेमाल करें, जो छड़, या फिर आप फरमा जो मिलता है कपड़े पर डिज़ाइनिंग करने वाला, आप उस फ्रेम का भी इसमें गोल जो रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से लपेट लेना है पूरे इसमें। मैं इसमें आपको एक एक ट्रिक बताऊंगी, जिन लोगों को बुनाई आती होगी वो आसानी से इस डिज़ाइन को ऊपर का जो है वो बनाना सीख लेंगे। कि बहुत ऐसे वीडियोस पे कमेंट है आप लोगों का जो ऊपर का मैंने नहीं बताया, तो आज स्पेशली आप लोग के कमेंट्स की वजह से ही मैं ये बना के आप लोग को बता रही हूँ। तो हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और भी मैं कोशिश करूँगी बहुत ऐसे डिज़ाइंस की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँ बनाते हुए। तो देखिए, इस तरह से कर लेना है और इसे हम गोल कर लेंगे और एक जगह लाकर इसे थोड़ी, बाद में हम इसे गोल करेंगे, फिर एक जगह लाके हम इसे बांध लेंगे। आप पहले भी इसे बांध के तब इसमें कपड़े को लपेट सकते हैं, या फिर आप साथ में ही लपेटते हुए। इसे अच्छे से ध्यान से हमें बांधना है। मजबूती से, ताकि ये हटे ना। तो देखिए, इस तरह से बांध लेना है और इसे हम फिर ऊन से भी बांधेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ये खुल जाएगा इस तरह से, इसलिए हम इसे फिर ऊन से भी बांध लेंगे अच्छे से, या फिर आप अलग से कपड़े लेकर देखें। यह हम अच्छे से इसे ऊन से भी लपेट देंगे मजबूती के लिए। मैं अच्छे से इसमें बता रही हूँ ताकि आप लोग भी आसानी से घर बैठे ऊपर का जो चांदी है वो आप आसानी से तैयार कर सकें, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आए थे। इसे अच्छे से बांध लेंगे। तो उसके बाद देखिए,
इसे अच्छे से बांध लेंगे इस तरह से, और इसे गोलाई पूरा गोल कर लेंगे। अगर मोटा वाला तार होता तो आसानी से ये गोल हो जाता, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होता, लेकिन ये पतला था तो जिसकी वजह से ये पूरी अच्छी तरीके से गोल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, तो आप इस तरह से कर लेंगे अपने तरीके से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें इस तरह से पहले बांध लेना है उनको, उसके बाद देखिए इस तरह से हमें लपेटना है इसके बीच के, इसी तरह से हमें लपेट लेना है चारों तरफ से। ये इसलिए हम लपेट रहे हैं ताकि इसमें हम झूमर बनाएंगे इस तरह से, चारों तरफ से हमें लपेट लेना है ऊन की मदद से। और इसमें हम जब पूरा हमारा हो जाएगा चारों तरफ से, तब हम इसमें झूमर बनाएंगे इसी में बांध कर। तो देखिए इस तरह से ये हमारा अब कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से हमने कर लिया है। तो ये छोटा सा नमूना, आप बड़ा सा गोल भी कर सकते हैं उसमें, इस तरह से कर ले। मैं बस आपको इसमें ट्रिक बता रही हूँ जिसकी मदद से आप बना सकते हैं। इसे अच्छे से इसमें बांध ले, देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, अब हम इसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें आप झूमर कैसे बनाइएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ऊन जो बीच में हमने लपेटा है, उसी में हम गोलाई में करके झूमर बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप लड़ी कोई भी, मतलब जिस डिज़ाइन का भी आप चांदनी बना रहे हो उस डिज़ाइन का लड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए तो गुल्ली का बना रहे तो गुल्ली का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम अदर टाइप का लड़ी बना रहे तो उस तरह का लड़ी इस्तेमाल करेंगे झूमर में। तो देखिए हमें इसे, मैं बस एक लड़ी आपको बना के बता रही हूँ, देखिए कैसे बांध के मतलब बनाया जाएगा उस तरह से। मैं आपको इसी तरह एक बना के बता रही हूँ, जैसे देखिए हम, जैसे यहाँ पे हम इसे बांध लेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी बांध सकते हैं या फिर आप क्रूस में भी बांध सकते हैं, या आपके ऊपर है। जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें भी हम बांध लेंगे इस तरह से। जैसे कहीं भी मैं बांध के एक बता दे रही हूँ बनाने का तरीका। ऐसे आप झूमर बनाएंगे तो पहले गोलाई में लेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से करके आप झूमर बीच में बनाएंगे। तो बस मैं आपको इसमें ट्रिक बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम अब बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे इसका लड़ी बनाएंगे यहाँ पे। जैसे नॉर्मल सा हम एक लड़ी बनाते हैं इस तरह से, आप चाहे तो यहाँ गुल्ली भी बना सकते हैं, या फिर मैं नॉर्मल ये जो डिज़ाइन है उसमें का मैं आपको बना के बता रही हूँ। देखिए नॉर्मल हम डबल उनका यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो आप सिंगल उनका यूज़ करेंगे तो फिर दो बार लेंगे, और अगर डबल का मैं यूज़ कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ही बार में हम लेंगे। जैसे इस तरह से एक फंदा चैन की तरह, या फिर हम चाहे तो दो करके इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से फिर हम फ्लावर्स लगा लेंगे
तो देखिए इस तरह से हम फ्लावर्स लगा लेंगे, मैंने एक बताया आपको बनाकर। आप इस तरह से गुलाई में पूरे में झूमर बनाएंगे, पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरह से करके चारों तरफ बांध के हमें बना लेना है झूमर। अब हम इसमें स्टार्ट ये करेंगे कि अब ये जो गुलाई ऊपर में जो बना रहता है चौराई, जैसे ये तो हम इस तरह से बांध के, देखिए अंदर जो झूमर बना हुआ है इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम इसके साइड में जो ये है वो कैसे बना है वो हम मैं आपको बना के बता रही हूँ। तो देखिए कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ पे हम पहले इसे बांध लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। देखिए यहाँ इस तरह से इसे बांध लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम छान लेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे आप गुल्ली टाइप से भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब हम यहाँ पे दो बनाएंगे इस तरह से, और फिर थोड़ी सी दूरी पे हम इसे बांध लेंगे इस तरह से। देखिए क्रूस की मदद से ऐसे हम बांध लेंगे। इसी तरह हमें टोटल गुलाई तक करना है। तो देखिए इस तरह से हमने टोटल गुलाई में दो दो घर कर लिया है, इस तरह से हम कर लेंगे। अब सेकेंड स्टेप में भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा घर बढ़ा लेना है, मतलब उसी तरह से करना है, इस तरह से दो दो घर बढ़ा के। इसे ये हमने पहला लेयर तो कंप्लीट कर लिया हमने, अब हम सेकेंड लेयर में देखिए क्या करते हैं। इसमें भी हम, अब इसमें होता क्या है कि हमें स्टार्ट तो ऐसे ही करना होता है, उसके बाद हम थोड़ा सा जो खंड है उसका लंबाई चौड़ाई बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे फिर हम दो लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लेंगे, या फिर आप गुल्ली बनाते हैं तो चार गुल्ली बनाएं इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम एक ले लिए, फिर यहाँ पे दूसरा भी हम ले लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो चार बना ले तब भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो के बीचों बीच जो हमने एक चैन लिया था उसमें हम इसे बांध लेंगे। इसी तरह फिर पूरे गुलाई में हमारा सेकेंड स्टेप भी जाएगा।
देखिए इसी तरह से हमारा सेकेंड स्टेप भी तैयार हो गया इसी तरह से। फिर थर्ड स्टेप में भी इसी तरह से हम बड़ा बड़ा करके लेंगे, मतलब ज़्यादा लंबाई, और इसे हम जब बनाते जाएंगे बड़ा, जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उस तरह से इसका गोलाई भी बड़ा होते जाएगा और हम उसमें बड़ा बड़ा खंड बनाते हुए जाएंगे। अभी तो छोटा खंड आपको दिख रहा है, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा खंड बन जाएगा। और जहाँ पे हमने एक एक चैन लिया, जहाँ पे हम ज्वाइंट करें, वहाँ से हम छोटा छोटा लरी बना के गिराएंगे। तो देखिए जैसे इसमें, देखिए इसमें पहले छोटा बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ इस तरह से छोटा बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ बना हुआ है। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसमें देखिए ऊपर में इस तरह से हमें चार पाँच इस तरह से गुल्ली तैयार करके एक जगह बांध लेना है, जो हम ऊपर झूमर में ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हमें बड़ा बना लेना है। देखिए जैसे मैं इसमें आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ, इस तरह से हमने गोला भी आपको बना के बता दिया, बीच में लपेट के भी, और इसमें बीच में झूमर बना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये ऊपर इस तरह से बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने आपको बताया ये देखिए, इसे अच्छे से समझिए। देखिए ये जो हमने अभी आपको बताया, ये जो गोलाई में जा रहा है इसी तरह से ये बड़ा होते चला जाएगा, और हम छत से इसे लगा हुआ बना रहे हैं तो पलंग तक की लंबाई जितनी होगी छत से नीचे उतनी ही लंबाई का हम बनाएंगे। देखिए जहाँ पे ज्वाइंट है इस तरह से हम लरी छोटा छोटा बना के गिराएंगे, जिससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये ज्वाइंट है तो यहाँ से गिरेगा, और धीरे धीरे देखिए ये खंड क्या है ना, ये बड़ा होता चला जाएगा। देखिए इस तरह से ये खंड जो हमें ज़्यादा लेते हुए जाना है, ताकि ये छोटा ना पड़े, इसकी चौड़ाई है जो वो बढ़ता चला जाए। जैसे सेकेंड लेयर में हम ज़्यादा लंबाई रखेंगे खंड का, धीरे धीरे इस तरह से बड़ा होगा। देखिए इस तरह से, एंड में भी हम इसी तरह गोल करके छोड़ देंगे, और जब हम चांदनी लगाएंगे तो हम चारों कोना पे बस फंसा देंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए लास्ट में आने के बाद ये खंड कितना बड़ा हो गया है, इस तरह से देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई सब बढ़ा देना है, तो ये गोल ही होते हुए बनता हुआ आएगा टोटल। तो इसी तरह से ये ऊपर का बना है, और भी अच्छे तरीके से मैं अभी आपको समझाऊंगी, अभी इन तक देखिएगा। बस तरीका वही है, बस उस प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना है, जिससे क्या होगा इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए पहले छोटा है लेकिन धीरे धीरे हम इसका खंड बड़ा करते जाएंगे, जैसे देखिए नीचे इस तरह से हुआ है, और बीच में झूमर भी बना हुआ है, देखिए इस तरह से। देखिए ये खंड कैसे, देखिए पहले छोटा है फिर उससे बड़ा हो गया। तो जैसे ये देखिए ये छत में लगा हुआ है, तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ। बीच में इस तरह से हमें झूमर बना लेना है, और ये जो खंड हमने आपको बना के बताया, देखिए ये खंड जो है ये कैसे अब बड़ा हो रहा है, अच्छे से देख लीजिए, इसे समझ लीजिए। सेम इसी प्रोसेस से ये बना हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और देखिए बीच में जहाँ जहाँ पे जॉइंट है वहाँ वहाँ से छोटा छोटा लरी गिराया गया है, आप जितना ज़्यादा लरी गिराएंगे उतना ही और भी खूबसूरत बनेगा, दिखेगा। तो इसी तरह से देखिए ये खंड गोलाई इसी तरह से बनते हुए गया है, लंबाई हमें देख लेना है, पलंग से छत की जितनी लंबाई होगी उस हिसाब से हमें लंबाई रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस डिज़ाइन को समझ गए होंगे कि कैसे झूमर ऊपर का बनता है। देखिए इसी तरह से बनता है, बहुत इजी होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये अभी लगा हुआ है, तो मैं इसकी लंबाई आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना है हमें देख लेना है, ऐसा नहीं कि हम छोटा बना लें लंबाई पलंग से। देखिए और यहाँ पे पाइप में हमें बस फंसा देना है, इस तरह से डाल देना है, या फिर आप चाहें तो बांध भी सकते हैं। देखिए यही चांदनी है, तो इस चांदनी का भी बनाते हुए वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, जिसमें आप ये बनाना सीख लेंगे इस चांदनी डिज़ाइन को भी। देखिए इसमें इस तरह से ऊपर में झूमर लगा हुआ है, देखिए इस तरह से पूरा चारों कोना में हमें फंसा देना है। तो बहुत ही इजी है ऊपर का झूमर बनाना, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आप इस डिज़ाइन को आसानी से घर बैठे बना लें। तो दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।